जी कौन बोल रहे हैं आप? जी आलोक कुमार राम सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बक्सर जिला से। सर हाँ, क्या बताना चाहते हैं आप, बोलिए। हम लोग की क्या गलती है, हम देख रहे हैं कि मेरिट नर्ट में दोनों अपने में लड़ रहे हैं। मतलब इसमें देखिए, शिक्षा मंत्री का सारा दोष है। हम लोग लड़का दोनों है, मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट लिस्ट हो, नॉट मेरिट लिस्ट लड़का हो, दोनों अपने में मतलब झगड़ा कर रहे हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, वो करेगा नहीं, हम क्वालिफाइड हैं। अच्छा, लेकिन आप मेरिट दोनों में हैं या नॉन मेरिट में? मेरिट में है सर। हम अच्छा, मेरिट में। जी जी बताइए आप। मेरिट मेरिट में सर, और जानबूझ कर शिक्षा मंत्री दोनों को लड़वा रहे हैं, जी लेकिन दोनों कैंडिडेट समझ नहीं रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन का पालन होगा तो दोनों कैंडिडेट का फायदा हो जाएगा, लेकिन नॉट मेरिट के जो विद्यार्थी हैं वो नहीं समझ पाते हैं। यदि उनको लग रहा है कि हम नॉट क्वालिफाइड हैं तो उनको सीट बढ़वाने के लिए मांग करना चाहिए, और बिल्कुल। सीट बढ़ जाएगा तो खुद ही मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन जो अपना क्या कहते हैं, जिस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म भरे थे उसको ही भूल जाते हैं कि ना हम उसके आधार पर फॉर्म भरे थे। तो अच्छा, बताइए सर, हम लोग मेरिट में आए गए तो हम लोग की क्या गलती है? नहीं, सही बात है। और मेरिट तो बनाया गया तब तो मेरिट में आए, अगर तो मेरिट बताइए सर, नहीं। हम लोग क्या, अब देखिए सर, अब बोल रहे हैं कि 80,000 लोग क्वालिफाइड हैं। बताइए सर, 80,000 लोग नियोजन में जाएंगे तो क्या लगता है, 80,000 के नौकरी हो जाएगा? और हो सकता है उसमें धांधली भी तो कर सकता है, जब इस तरीके से बात आ रही है तो क्या जरूरी है कि नॉट इन मेरिट या मेरिट, हो सकता है तीसरा भी कोई बहाल हो सकता है उसमें। देखिए बस देखिए सर, आपको बता रहे हैं इस पर। देखिए सर, हम बता ही रहे कि दोनों कैंडिडेट जो हैं वो जानबूझ के लड़ रहे हैं, उनको समझना और चाहिए कि ये हम पता नहीं नोटिफिकेशन इस पर। दोनों के बीच में हो सके तीसरे लोग को भी घुसाया जाए। देखिए सर, हम बता रहे हैं तीसरे लोग आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, अगर यदि नोटिफिकेशन का पालन होगा तो सीट के अकॉर्डिंग लोग जाएंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, फायदा हो जाएगा सबको। अगर मान लीजिए सीट बढ़ जाता है तो नॉट मेरिट वाला भी मेरिट में आ जाएंगे। तो सरकार से आप लोग कुल मिलकर क्यों नहीं मांग करते कि सीट बढ़ाकर इसका नियोजन प्रक्रिया को चालू किया देखिए जाए? सर, आप बताइए, नोटिफिकेशन का यदि हम लोग पालन करा रहे हैं तो नॉट मेरिट वालों को सोचना चाहिए कि ना हम सीट की मांग करें, नहीं, उनको चाहिए आप ना कि हम सबका सीट। मांग होना चाहिए। देखिए, यही चीज गलती है ना, कि कोई अपना मतलब जो होता है वो छोड़ना नहीं चाहता। दोनों देखिए मिलके एक बार इस चीज को उतरिए कि नियोजन अच्छा प्रक्रिया बताइए तभी सर, स्टार्ट किया जाए अगर आप सबको क्वालिफाइड किए हैं, तो अगर सबको बुला रहे हैं तो सबको ये दायित्व होना चाहिए कि सब मिल के ये सरकार से मांग करें कि हमें सीट बढ़ाकर ही नियोजन प्रक्रिया की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए। अच्छा बताइए सर कि हम लोग की क्या गलती है, हम लोग सीट के अकॉर्डिंग में मेरिट में आ गए हैं तो हम लोग सीट की मांग करेंगे कि नॉट मेरिट वाला कैंडिडेट को मांग करना चाहिए कि हमको सीट बढ़ाइए। देखिए, आप अब बताइए यहाँ सर बात आता है, दोनों तरफ से फंस रहा है ना, तो दोनों को ना, इस देखिए काम में आ हम जाना बता रहे हैं होगा। मेरिट के लड़का जो है नॉट मेरिट से लड़ रहा है, उनसे क्या लड़ना है, हमको सरकार से मांगे, जी हमको सरकार से मांगे सीट कितना बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा तो 1,500 बढ़ाएगा, इससे अधिक कोई थोड़े नहीं पा सकता है। नहीं, जब अब सीट मान लीजिए खाली है, कि जब सीट खाली है तो क्यों नहीं बढ़ाएगा सीट, जब सुनते हैं 1-1.5 लाख सीट देखिए सर, खाली है। देखिए सरकार का जो रवैया है शिक्षा विभाग में वो अच्छा नहीं है सर। हम लोग क्यों, हाँ देखिए सर, हम लोग इतना मेहनत करके 45%, देखिए हम एसी में सर, 45 जी परसेंट लाना मेरे लिए कुछ नहीं है। आपको बता रहे हैं कि 2017 में बीटेक पास हूँ, सीटेट भी पास हूँ, और स्टेट इन मेरिट में हूँ, मेरिट के साथ हम जनरल में क्वालिफाइड किए हैं। अब बताइए कि अब देखिए, अब नियोजन की बात कर रहे हैं सर कि 80,000 लोग जाएंगे नियोजन फॉर्म भरेंगे, और नियोजन में क्या होता है, पैसा पर सेटिंग होता है। आपको हम बता रहे हैं, हम जाले ब्लॉक में हम गए थे नियोजन तो में, वही तो हम भी बोल रहे हैं ना कि नियोजन प्रक्रिया में अगर और जाते हैं तो क्या जरूरी सुन लीजिए, है। अब बताइए कि हम नियोजन में गए थे, वहाँ पर मेरा 61 कुछ था, और वहाँ पर जानते हैं हम उसके ठीक सामने थे, जो माइक से अनाउंस कर रहे थे उसके हम ठीक सामने थे, लेकिन जानते हैं क्या बोला, बोला कि 63% सीट जो है एसी के फुल हो गए, आप लोग जाइए। फिर भी हम 7 बजे रात तक वहाँ पर रुके कि नहीं, क्या पता रात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सब बंद हो गया तब हम वहाँ से निकले। इसके बाद 26 को जब चयनित सूची आता तो हम देखे कि नहीं, 57% का मेल का, 55% का फीमेल के, और एक सीट खाली भी रह गया। बताइए इतना बड़ा धांधली, और हम जानते किसके पास कंप्लेन किए हैं सर, जो से लेकर डीएम तक दरभंगा जिला, और हम खुद डायरेक्टर से बात किए, सच जो अमरेंद्र प्रसाद सर थे उनसे फेस टू फेस बात किए। जानते सर वो क्या बोले, बोले कि जानते हैं लड़का वहाँ पर नहीं रहता है, और जब कम मेरिट पर हो जाता है ना तो बोलता है कि हम वहीं पर रहते हैं। अब बताइए सर मुझे कितना तकलीफ लगा, जानते हैं सर उस दिन हम 10 बजे से लेकर मतलब 6 बजे तक हम बिना खाए पिए, मेरे पैर में मतलब घाव आप हो गया था, वीडियो क्योंकि लाइव कर देते, उसी समय वीडियो लाइव किया कीजिए अगर उस टाइप का बात हो तो।
ताकि ये तो रहे, फेसबुक पे तुरंत लाइव किया कीजिए इस तरीके, डिजिटल मीडिया का जमाना है तो आप लोग को तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अब बता ही रहे सर कि उस दिन हम बता अब सचिव को भी ईमेल किए हैं, इस बार शिक्षा मंत्री की ईमेल किए हैं, इसके बाद हम मुख्यमंत्री तक 31 अगस्त को मुख्यमंत्री तक मतलब ये किए हैं जनता दरबार में जाने के लिए, आज तक तो वहाँ से कोई हमको खबर नहीं है। तो बताइए कि हम किसके पास जाएंगे, हम बताइए तो अभी तो, बताइए किसके पास तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि ये धांधली बहुत बड़ी तरीके से होती है। देखिए आप पर भी थोड़ा सा दोस्त है सर, हम 100 बार कॉल किए हैं सर, करीब करीब 100 बार कॉल किए कि सर देखिए मेरे साथ ऐसे सुजाला ब्लॉक में हुआ है, प्लीज इसको थोड़ा सा लाइव टेलीकास्ट कर दिए। सर के पास किए हैं 18 वाला नंबर तो हम किए हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लास्ट हम जाकर देखना, हमको लगा कि उस पर सर बात नहीं करेंगे, हमें स्टेट मेरिट पर ही हमको कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छा। अब बताइए कि हम 78% लाए हैं, बताइए कि उतना लाने के बावजूद भी आई जब मेघांक जुड़ेगा ग्रेजुएशन का बीएड के तो क्या संभव है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर वहीं तो हाल होगा कि बोला कि इतना मेरिट पर आइए, कम मेरिट वाले को चेंज कर लिया जाएगा, तो फिर हम लोग तो इसी तरह रह गए। हाँ बात तो सही है, और जब निष्पक्ष हो ही नहीं रहा है काम तो कभी भी कुछ भी धांधली हो सकता है ना। देखिए सर इस बता रहे सर, इस पर आपको एक क्लियर चीज बता देते हैं, जान पूछ कर शिक्षा भक्त जो है लटका कर रखा है मेरिट नॉट मेरिट लिस्ट। सबसे बड़ा दोषी कौन है, मेरिट वाला, उनको नॉट मेरिट वाला से क्या दिक्कत है, हमको नोटिफिकेशन की मांग करना चाहिए। शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा मंत्री ईमानदारी से बोल रहे हैं कि ना हम जो कर सही कर रहे हैं, तो आप मेरिट वाले के सामने आकर डिबेट कर लीजिए ना। हम तो चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री मेरे सामने, हम उनसे डिबेट करते हैं कि आप नोटिफिकेशन का पालन कीजिएगा नहीं कीजिएगा, आप नोटिफिकेशन उसके हिसाब से चलिए, हम सीट को मांग नहीं कर रहे हैं। अब बढ़े कि नहीं बढ़े आपकी जिम्मेदारी है, बस हम इतना ही मांग करना चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन का पालन कीजिए, और उसमें हम लोग आएंगे मेरिट में तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। लेकिन हाँ शिक्षा मंत्री के, देखिए सर शिक्षा मंत्री जाहिर से है कि लगा कि अगर सीट के गोडी हम करेंगे तो 5,000 कुछ बहाली लेना है, अगर सेंट्रलाइज हम कर देंगे तो एक भी फर्जी लड़का तो आएंगे नहीं, हमको 1 रुपया फायदा होगा नहीं। और यदि यही लोग नियोजन में जाएंगे तो वहां पर क्या है, DO से लेकर अब देख लीजिए सर पटना तक मतलब इसमें हस्तक्षेप है, इसमें हमको कोई कहने में संकोच नहीं है क्योंकि हम कंप्लेन खुद कर चुके हैं। अरे नहीं, अगर खराब रहेगा हमारा सिस्टम, करप्ट नहीं रहेगा तो फिर क्यों नहीं निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं विज्ञापन निकालता है, आखिर इतना त्रुटि क्यों पूर्ण होता है। देखिए सर अच्छा बताइए सर एक मिनट, अगर विज्ञापन में त्रुटि है, मान लीजिए सर हम और आप हैं, हम मान लीजिए कि हम आपको गाली देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कि हमको छोड़ देंगे इसी तरह ना, आप करिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जोश में कमेटी में लोग सदस्य थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन है, सरकार है, तो उसे उसके इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहा है क्योंकि खुद गलत है तो कैसे एक्शन लेगा। जानिए को जान बुझ कर लटका रहा है और लड़का अपने में लड़ रहा है, समस्या सबसे बड़ा चीज क्या है, सबको पहले एकजुट होना चाहिए। सर देखिए देखिए सबसे बड़ा एक मेरिट वाला का दोषी कहते हैं क्योंकि मेरिट वाला से नॉट मेरिट वाले से क्यों लड़ रहा है, उसको अपना सीट के अकॉर्डिंग बस मांग करना चाहिए कि नहीं हम जितना नोटिफिकेशन के हिसाब से है उसको हमको पालन करवाना है, बस नॉट मेरिट के लिए क्या करेगा नहीं करेगा सरकार समझे, हम लोग उससे क्या मतलब है। सर जानते हैं सर, बता ही रहे कि मेरा 59% वहाँ पर नहीं हुआ है, हम कितना मतलब अपसेट है ये हम ही समझ रहे हैं सर। अरे वो हम जानते हैं कि अगर किसी को जॉब होने वाला हो नहीं हो मेरे तो पास क्या है क्या नहीं है आपको तो बता नहीं सकते, हम बहुत दिनों से सोचे हैं कि आएंगे तो आपको मतलब लाइव हम बात करेंगे आपके चैनल से, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इतना भी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपके मतलब पटना में आए आपके लाइव हम बात करें। अरे तो पैसा थोड़े ना हम लोग लेते हैं जो पैसा की जरूरत है। देखिए बक्सर से आने जाने में कम से कम आपको 500 रुपये कम नहीं लगेगा, और लोग बता रहे हैं कि हम एक देख रहे थे नॉट मेरिट वाला एक कैंडिडेट को कि बोल रहा थी कि हम यहाँ से आए हैं मेरा 4-व्हीलर से आए हैं मेरा पैसा इतना खर्चा हो गया। अरे पैसा कितना खर्चे का उससे मतलब नहीं ना जी, जो नोटिफिकेशन निकालो उसके नोटिफिकेशन का पालन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास क्या है कहाँ से आते उसको मतलब नहीं है, जो नोटिफिकेशन हम लोग क्यों भर रहे थे फॉर्म, नोटिफिकेशन में आया था यही कि नहीं सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी करेंगे उसके हिसाब से हम लोग तैयारी किए हैं। 45% आपको बता रहे हैं कि सर हम 270 हैं, बीटेट के लिए तैयारी किए थे, सीटेट के लिए आज तक तैयारी नहीं की, लेकिन मेरा सीटेट भी निकलता है, 45% के लिए हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते थे कि ना इस सीट के कोडिंग रिजल्ट आ रहा है तो हम कम से कम इसमें मेरिट में आना है, और मेरिट के हिसाब से बता रहे हैं कि मेरा हम जनरल में क्वालिफाई जनरल में मेरिट लिस्ट में है मेरा नाम से, मेरा एक सोशल साइंस में 170 पॉइंट कुछ नंबर है,
अब बताइए कम नियोजन इकाई में जाएंगे तो क्या समझ के मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर अरे जब वही ये कौन चीज कौन देखिए, जब सरकार निष्पक्ष भाव से काम कर ही नहीं रही है तो फिर कैसे उम्मीद रखते हैं कि सही काम होगा? वहां पे मेरिट और नॉन मेरिट ही रहेंगे, तीसरे व्यक्ति का नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा। हमको देखिए हम यही मेरिट वालों को संदेश देना चाहते हैं कि हमको सरकार से लड़ाई है, लेकिन नॉट मेरिट वाला लड़के क्या कि नॉट मेरिट वाले से जाकर डिबेट करता है, फिर सो हमको क्या काम है, हमको तो सरकार से मांग है, बिल्कुल नॉट मेरिट बिल्कुल। वाले का अपनी सीट बढ़ाना तो सरकार से मांग करें, हमको नॉट मेरिट वाला कैंडिडेट से क्या मतलब। देखिए सर, नॉट मेरिट कैंडिडेट जो है ना, कुछ लोग जिसका स्टेट मार्क्स बहुत कम है उसको बस यही सोच है ना कि किसी तरह हम मतलब नियोजन निकाय में चल जाएं, और वहां पर क्या करेंगे, मेरा मेघा भी कम होगा तो हम पैसा देकर किसी तरह निकल जाएंगे हाँ एक्सीजन, उसके यही सिद्धांत है बता रहे, मेरे भी साथ बता रहे सर, हम लोग जिसमें तैयारी किए थे लगभग 15-16 लोग हम लोग साथ में थे, लेकिन बहुत से देखिए, जब तक नॉट निष्पक्ष नहीं रहेगा, जब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी चीजें, तो गलत होना है, धांधली होनी ही है। बता रहे सर नॉट मेरिट। देखिए सर, अनिल जी जो बोलते हैं ना रियल में सही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा उनके बोलने के जो लैंग्वेज है थोड़ा सा ही है, कड़वा है, नॉट मेरिट वाला जो है उनका सही में नीयत खराब है, उनके ये मांग करना चाहिए कि नहीं सर सीट इसमें बढ़ा दीजिए। अब बताइए सर कि 60 में 80 हज़ार लोग क्वालिफाइड हैं, आपके नज़र से क्या लगता है कि सभी को बहाली हो जाएगा संभव? अगर हम अरे सरकार चाहे तो हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी तो जो मेरिट वाले का भी नहीं होगा। सर पूरा बिहार में सीट आप जोड़ दीजिएगा तो SST में 80 हज़ार सीट है सर, आप ही बताइए ना हमको, नहीं है, सीट है खाली, सीट तो अस्सी हज़ार है खाली सर SST में, केवल एसएसटी केवल में SST में खाली। नहीं, पूरे मतलब पूरे बता रहे हैं तो पूरे में तो होगा ही, पूरे सब्जेक्ट SST का में हम लेके। केवल बात कर रहे हैं सर, SST में पूरा बिहार में 80 हज़ार सीट है सर, नहीं, उसमें कैसे होगा? फिर कैसे संभव हो सकता है सभी को नौकरी हो सकता है? तो उसमें सारे एसएसटी के स्टूडेंट कैंडिडेट थोड़े ना है। नहीं अब बोलते हैं कि नहीं सभी को नौकरी पक्की हो जाए, कहाँ से पक्की हो जाएगा, शिक्षा मंत्री के एक बयान से ये सब हुआ है, अगर शिक्षा मंत्री वहीं पर थोड़ा सा अपने बयान को रिटर्न कर लेते ना तो इतना हंगामा एक नहीं बात होता। बताइए, बयान वो अकेले बैठ के नहीं दे रहे थे, उनके साथ शिक्षा के सचिव थे, अध्यक्ष थे, शिक्षा विभाग के ये सचिव भी थे, अच्छा देखिए सब थे, आभा वो अभयानंद थे, आनंद देखिए सर, शिक्षा किशोर मंत्री थे, आप सॉरी बता रहे हैं, आनंद शिक्षा किशोर थे। मंत्री सुनिए सर, शिक्षा मंत्री जो बयान बोले ना पैसा के चलते, जान रहे कि अगर इसको सीट के अकॉर्डिंग हम सेंट्रलाइज कर देंगे तो 1 चवानी उनके पास नहीं जाएगा, इसीलिए वो जानबूझकर बयान दिए इस तरह से कि दोनों लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मैटर जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में जाएगा तो मैटर कम से कम 2 साल खींचिए देगा। आप 2017 के बाले देखिए ना, आज 22 हो गया ना, अभी तक ज्वाइनिंग के नहीं लग रहा है कि 25 को ज्वाइनिंग मिले कि नहीं मिलेगा, तो तो जान उसको बूझ ज्वाइनिंग वो कर तो हम सभी लोग पहले उस दिन किए थे, तो न्यूज में बताया था कि हम पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन देखिए जब अगर बिहार सरकार ऐसी बातें कर रही, शिक्षा विभाग ऐसी बातें कर रही है, तो देखने वाली चीज होगी कि हो पाता है या नहीं। नहीं। देखिए सर अब 17 के बहाली है सर, 5 साल चल गए, 5 साल में लड़कों क्या हाल हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ हम जानते हैं, हम खुद उसमें से छटे हुए, कैसे छटे हुए, शिक्षा मंत्री के पास हम ईमेल नहीं किए हैं, डायरेक्टर से हम बात नहीं किए हैं, एक डायरेक्टर मतलब इतना बड़ा पदाधिकारी होता है, उनके पास हम गए तो जानते हैं सर क्या बोले, हमको इतना तकलीफ लगा हमको मत पूछिए, क्या बोले थे? मेरे साथ वो बोले कि जानते हैं लड़का वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, बोलता है जब कम मेरिट पर हो जाते तो बोलता है कि वहीं पर उपस्थित है, सर आप इतना बड़े पदाधिकारी हैं कम से कम उसको तो जाँच तो करा लीजिए, आपके पास CCTV कैमरा वहाँ पर नहीं है, आप देखिए कि वहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित हैं, लेकिन नहीं आपको नहीं तो तो उस लग रहा है समय कि नहीं आपको भी करना चाहिए था उस समय। अगर नहीं, उस समय आप भी शायद उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाए, उस चीजों को सर। समझ देखिए नहीं अब पाए। देखिए सर बता रहे हैं आपको रियल हम बता रहे हैं, नेताओं पर हम बहुत कम भरोसा करते हैं, लेकिन अब अधिकारी पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि पढ़ लिखकर अधिकारी बनते हैं, अब बताइए कि वहाँ पर जाने के बाद इस तरह सर ज्ञान आता है तो सर क्या लगता है आपको, मेरे ऊपर क्या बीते सर ये हम समझ रहे हैं, अब बताइए हम इतना मतलब 78% लाए, बताइए इतना लाने के बाद हम नियोजन में जाएंगे तो क्या भरोसा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बताइए हाँ कि बात तो ये है, जो सही है। सरकार नोटिफिकेशन निकालती है खुद नोटिफिकेशन को पालन नहीं कर रहे हैं, तो बताइए हम किस बात पर उनको भरोसा करें, क्या पता है कि अभी सेंट्रलाइज बोल रहे हैं कि सरकार सेंट्रलाइज में भाग ले लेंगे, तो क्या पता है कि सेंट्रलाइज लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके किस लिए आधार एक पर ही मान मुद्दा है कि जो जो आप सब लिखित, मिलकर एक बार सब एक साथ होकर आवाज उठाएं, तो शायद सरकार सुन पाए। जी सर हम मेरिट कैंडिडेट के हम बोल रहे हैं हमेशा, चाहे हम हमेशा 1-2 बार गए हैं सर वहाँ पर, अब बताइए ना कि बक्सर से जाने में कम से कम हमको 500 रुपये का खर्चा लगता है, तो बताइए आपके चैनल में भी हम लगभग 100 बार कॉल किए हैं सर के पास,
सर देखिए मेरा जाले ब्लॉग में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है सर, इसको एक बार लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। कब नहीं हुआ, कब कॉल किए थे आप? मतलब हम महीना दिन से ऊपर हो गया सर, सर के पास तो किए, और भी अब हम बहुत कॉल सारे बोले यहाँ कि पे सर हम कॉल्स आते हैं, बहुत सारे, और जहाँ तक कोशिश होता है जितने भी कॉल्स आते हैं हम लोग उनको अटेंड करते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है सुनते हैं और दिखाने का, लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसीलिए सर ठीक है, आप जब दिखा रहे इसीलिए हम आपके पास कॉल किए अगर थे सर। नहीं दिखाते तो अभी आप हमें कॉल नहीं कर रहे होते। इसके बाद सुनिए सर, इसके बाद हमको लगा कि नहीं सर वो वाला मुद्दा नहीं उठाएंगे शायद सर, तब हम बोले सर कि ये कॉल हम कॉल ऐसा किए थे तो कोई मुद्दा उसको नहीं होता जो हम लोग उठाने से पीछे हटते हैं। ठीक एक है, एक बात मेरा बात तो सुनिए, हम गलत पूछ लीजिएगा, हम सर के पास हम टोटल व्हाट्सएप भी किए हैं कि मेरा मेगा अंक कितना बना है, कितना लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन लड़कों का सिलेक्शन हुआ आपको कम मेरिट पर, टोटल हम सर के पास व्हाट्सएप किए हैं, लेकिन महीना दिन हो गया। इसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं सर वो मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो हम बोले कि सर हम स्टेट मेरिट कैंडिडेट बोल रहे हैं, इस ये तो मुद्दा कम से कम उठा दीजिए, तो बोले कि सर आपको हम ठीक है आप ये नंबर देते हैं आप उनसे बात कीजिए। सर हमेशा होता है बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम समस्या लोग होता है क्या हम लोग मतलब उठाते गलती है, हैं। मेरा नहीं, गलती क्या गलती है गलती कुछ नहीं है, गलती सरकार की है, और सरकार से पुरजोर तरीके से आप लोग को आवाज उठाना होगा, तभी सरकार शायद सुन पाए। सर। देखिए सर स्थिति ऐसे नाजुक हो गया है कि बस एक ही सुझाव लग रहा है कि ना हम लोग ये नोटिफिकेशन का पालन कर रहे नहीं हो रहा है, तो हम सरकार के पास जाएं उनके सामने मतलब क्या करें, एक ही ऑप्शन मतलब है उनके सामने जाकर आत्महत्या कर ले ताकि उनको तो संतुष्टि मिल जाए कि हाँ मेरा ही नोटिफिकेशन था, हम गलती किए थे इसके परिणाम से ये होगा, नहीं नहीं अब मेरा मेरे पास क्या ऑप्शन है। आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं होता है कोई भी चीज़ का। उसका सोल्यूशन है जो सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सर मेरे पास क्या ऑप्शन है बताइए सर, हम लोग गए भी आंदोलन करने के लिए क्या भगा दिया जाता है गर्दनी बैग से, तो हम लोग क्या कर सर बताइए तो। उसके लिए कोर्ट है। ऐसे नहीं आएगा, कोर्ट से आएगा, जिस तरीके से आएगा, लेकिन आने के लिए तो है ना, आईडिया है कि किसी तरीके से तो होगा ही। अगर सर आप आप सही हो कोर्ट तो देखिए सर आपका कोर्ट के बात कर रहे हैं सर, अब बताइए जो जी। लड़का 17 से तैयारी कर रहे हैं आज तक जॉब नहीं हुआ है, आज 22 आगे 5 साल वो किस तरह से पैसा क्या कर लेकर सकते हैं, तैयारी किया सरकार ऐसी आज है, सर, सरकार आज ऐसी बता है रहे सर आज जी ऐसा स्थिति है सर कि हम लोग खुद मतलब बाहर में नहीं पढ़ रहे, हम लोग गांव पर आ गए हैं, अब जी बताइए कि हम लोग खुद गांव पर आ गए हैं अपना भोजन चलाना मुश्किल है, तो कहाँ से हम लोग पैसा जुटा कर कोर्ट में लड़ेंगे बताइए सर। अब कोर्ट सरकार जो है कि बैठा हुआ है उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, पैसा भी अवेलेबल है पावर भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ की यूज करती है, हम लोग के पास ठीक क्या है सर। ठीक है। सरकार तो एक ही 5 साल के रहती है ना, फिर हम उसको बदल सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको, हम लोकतंत्र है ना जी, तो हम लोग अपने वोटिंग के हिसाब से चूज करते हैं हमारे नेता कैसा हो, हमारा सरकार कैसा हो। ठीक है, गलत करेगा तो उसका परिणाम उसको मिलेगा ना। तो सर एक चीज़ है कि माननीय शिक्षा मंत्री की ये सोचना चाहिए कि शिक्षा विभाग होता है एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, नहीं शिक्षा विभाग जो मंत्री होते हैं भगवान का दर्जा होता है, वो तो कम से कम शिक्षा विभाग के बारे में तो सोचे। वही तो, भगवान अगर हमारी इच्छाओं को नहीं सुनती है, अगर नहीं समझती, तो क्या उस भगवान को आप मानते हो फिर? क्या सर भगवान, यही दूसरा भगवान खोजते हो, बदलते हो कि आप दूसरा भगवान चाहिए, इस भगवान से हमारा नहीं हो रहा है। यही तो मेरा सर व्यवस्था है क्या कर सर, अब मेरे बता ही रहे सर इतना मन मन से मतलब इतना देखिए सर रियल बता रहे हैं, मेरा मन से मतलब अब शब्द भावना मतलब उत्पन्न हो रहा है लेकिन हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं सर, अब बताइए हम क्या करें सर। हमारा बस एक ही आप लोग से आग्रह रहेगी कि आप नॉन मेरिट मैट दोनों मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए सर और हम नॉट मेरिट वाला से हमको मतलब नहीं है सर, हम लोग केवल सरकार से मतलब है, हाँ, हमको तो केवल सरकार के सरकार से पास मतलब है कि हम बस नोटिफिकेशन का पालन करें, उसमें मान लीजिए कि जितना भी मेरिट वाला नॉट मेरिट वाला का यदि सीट बढ़ता है तो उसको मेरिट में आ जाता है तो उनका मतलब फायदा होगा, हमसे उसको मतलब नहीं है, हम बस ये मांग करना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली कीजिए जो भी लड़का आता है उसको कीजिए, बस हम इसको मांग करते हैं, हमको नॉट मेरिट वाला से क्या मतलब है। अब ठीक बताइए कि है। नॉट मेरिट वाला सुनिए सर एक मिनट, नॉट मेरिट वाला जो लड़का है कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नियोजन में छट जाएंगे तो बोलेंगे कि हम लोग भी लीजिए, तो सरकार क्या करेगा, सरकार के पास उतना तो सीट है नहीं जितना चाहिए उतना, तो सबको सबको तो मनोकामना पूरा करना तो संभव नहीं है सर, सबको मनोकामना पूरी पूरा करना सरकार की बस की बात नहीं है, हम लोग बस बिल्कुल सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि आप जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उसको बस पालन कीजिए, हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं। चलिए, ठीक है। और इस बात को हम चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री के तक पहुँचे। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।